वैसे तो बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान के साथ हर एक्ट्रेस काम करना चाहती हैं, पर क्या आप जानते हैं बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने सलमान खान को एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 6 बार रिजेक्ट करा है। जी हाँ, बॉलीवुड की शांति यानी दीपिका पादुकोण ने सलमान खान की 6 फिल्मों को रिजेक्ट करा है, जिसमें बजरंगी भाईजान, सुल्तान, शुद्धि, किक, प्रेम रतन धन पायो और ट्यूबलेट जैसी फिल्में शामिल हैं। और उनका हर बार यही कहना था कि बिजी शेड्यूल के चलते वो इन फिल्मों को साइन नहीं कर पाई। वहीं सलमान खान की रेस 3 के साथ साथ किक 2 भी सुर्खियां बटोर रही हैं। हालांकि पहले सभी को ऐसा लग रहा था कि किक के सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी सलमान के ऑपोजिट जैकलिन फर्नांडिस ही होंगी, लेकिन अब इस फिल्म में सलमान के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। दरअसल अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म रेस 3 में जैकलिन सलमान के ऑपोजिट दिखाई देंगी। ऐसे में सलमान खान इस जोड़ी को बार बार रिपीट करना नहीं चाहते थे और किक 2 के मेकर्स को भी एक नए फेस की डिमांड थी, इसलिए फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया और दीपिका को फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है, पर अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। बता दें कि फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी 2018 में शुरू कर दी जाएगी और फिल्म को 2019 में क्रिसमस के टाइम पर रिलीज करा जाएगा और फिल्म में सलमान खान डबल रोल निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन सलमान और दीपिका की इस फ्रेश पेयरिंग को देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।